नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जौहर जोहर स्टडी में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक और नई वैकेंसी की जानकारी लेकर यहाँ पे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जो दोस्तों पाकुड़ जिला है, दोस्तों पाकुड़ जिले में आई हुई वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जानकारी लेके आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों भर्ती कैंप से रिलेटेड सूचना यहाँ पे जानकारी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 नवंबर को यहाँ पे भर्ती कैंप का आयोजन हो रहा है। कौन सी कंपनी आ रही है, कितनी सारी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे जानकारी लेंगे हम लोग दोस्तों। तो ये कहाँ पे इसकी वैकेंसी होगी दोस्तों, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी नीचे दे दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आप लोग, ताकि वहां से इसको डाउनलोड करके खुद से भी एक बार रीड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कब होने वाले, 30 नवंबर यानी कल की डेट में यहाँ पे होने वाली है। बुधवार को इसके भर्ती कैंप का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा सुबह 10 बजे से, ठीक है। जो जिला नियोजनालय पाकुड़ है दोस्तों, SDO ऑफिस कैंपस पाकुड़ जो है दोस्तों, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं नीचे क्या कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है वो यहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एम्प्लॉयमेंट नेम देखते हैं, यशस्वी यहाँ पे ग्रुप बेंगलोर की कंपनी है, यशस्वी ग्रुप, ठीक है। तो बेंगलोर की कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी आ रही है यहाँ पे, याजकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिंडा, फिर यहाँ पे ITC, फिर 10 टेक्नोलॉजीज, नास यहाँ पे इंडस्ट्री, और उधर यहाँ पे 19 कंपनी और भी आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज है। 13,000 माफ कीजिएगा, 1,365 टोटल वैकेंसी, 1,365 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और कल के डेट में यहाँ पे वैकेंसी, इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। पोस्ट की बात करें, पोस्ट अप्रेंटिस के यहाँ पे भर्ती की जाएगी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन यहाँ पे, और ITI पास डिप्लोमा वालों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। एज देख सकते हैं 18 से लेकर 25 साल आपकी भी, इसकी भी आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी यहाँ पे मिनिमम 12,000 और उससे ज्यादा दी जाएगी, ठीक है। मिनिमम 12,000 या उससे ज्यादा रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जॉब लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे बेंगलोर, गुजरात, पुणे या मुंबई है, ठीक है। इन चार जो कि शहर दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का जॉब लोकेशन हो सकता है, मतलब आप लोगों को जॉब करने के लिए ये सब जो कि यहाँ पे शहर है, यहाँ पे जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए और देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो और यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोगों को इस भर्ती कैंप में जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये जो www.rozgar.jharkhand.gov.in है, यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। जो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है, जो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है दो आपको, ठीक है, सभी का जेरोक्स लेके जाना है, और साथ में अपना बायोडाटा भी को लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मैंने आप लोग यहाँ पे दे दी है। अगर कहीं कुछ छूट गई तो आप लोग इसको खुद से रीड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। मैं लिंक पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग यहाँ से रीड कर लें। तो पाकुड़ जिले में जो भी कैंडिडेट है दोस्तों, जो भी बेरोजगार है या फिर युवा यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं, वो लोग इस भर्ती कैंप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी सारी वैकेंसीज है, काफी सारी मतलब कि ना 1,365 वैकेंसीज है, ठीक है। देख सकते हैं काफी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए और भी नई नई वैकेंसी की जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए अभी इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।